जेटली जी को कश्मीरी पंडित भाई बहनों के बारे में भी किसी फिल्म से ज्ञान हुआ, पर सत्ता में तो जनाब 8 साल से आप हैं, सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, पर इसमें उनका कसूर नहीं है। यहां मेजर साहब बैठे हमारे बुजुर्ग हैं, जिनका पितृ संगठन, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं उनका पितृ संगठन 1925 से लेकर 1947 तक अंग्रेज के साथ रहा और देश के स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ रहा, जिनके पितृ संगठन ने 1947 के 40 साल तक 35 से 40 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा आपने यहां लगाना सही नहीं समझा, उस पितृ संगठन से निकले प्रधानमंत्री जी को के बारे में, उनकी सोच और समझ के बारे में यही उम्मीद की जा सकती है। साथियों, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का सबसे बड़ा पलायन कश्मीर से कब हुआ? वो 1990 की शुरुआत में हुआ। उस समय किसकी सरकार थी देश में? वीपी सिंह जी की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों के समर्थन से चलती थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। लगभग 1,40,000 से अधिक हमारे कश्मीरी पंडितों, सिख भाइयों ने पलायन किया। भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन नहीं वापस लिया, उल्टा भाजपा के एक नेता सीएम को हटाकर, स्वर्गीय जगमोहन जी वहां के गवर्नर थे, और उन गवर्नर महोदय ने, जो भाजपा के नेता बाद में भी थे और पहले भी थे और उनके केंद्रीय मंत्री भी थे, उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित भाई बहनों को आप जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया, ना जगमोहन जी को कहा कि आप कश्मीरी पंडित भाई बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस्तीफा दीजिए, घर आ जाइए। उल्टा लाल कृष्ण आडवाणी जी एक बंटवारे वाली यात्रा चलाते रहे, रथ यात्रा, कश्मीरी पंडित उजड़ उजड़ कर जाते रहे, सिख भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, हिंदू भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, उग्रवादी उन्हें डराते रहे, उन पर हमले करते रहे, उनको मारते रहे। वीपी सिंह की सरकार मूक दर्शक बनी रही, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती रही, जगमोहन जी वहां गवर्नर बने रहे, और रथ यात्रा के संचालक मोदी जी आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा निकालते रहे। उस यह रथ यात्रा का इवेंट मैनेजर और संचालक भी माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। केवल एक व्यक्ति और एक दल उठा जिसने हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के पलायन का, उन पर आतंक फैलाने का, उनके कत्लो गैरत का, उनके कत्ल का विरोध किया, वो उस समय विपक्ष के नेता थे, उनका नाम था स्वर्गीय राजीव गांधी। उन्होंने संसद का विरोध किया, घेराव किया, उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी जी ने संसद को घेरा और सरकार को कहा जागिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित, क्योंकि राजीव गांधी जी का परिवार भी कश्मीरी पंडित परिवार है, वो वहीं से निकले हैं। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने संसद का घेराव किया, पर इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया। यह उसकी त्रासदी की सच्चाई है। और आठ साल में मोदी सरकार ने क्या किया? तुलनात्मक आंकड़े वाजिब नहीं, मैं नहीं मानता कि हमारे भाई बहन जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए कोई तुलनात्मक आंकड़े देने चाहिए, पर सच्चाई बताना जरूरी है। यूपीए सरकार स्कीम लेकर आई, पीएम पैकेज लेकर आई, 3,000 से अधिक परिवारों को सरकारी नौकरियां दी, 5,911 घर बनाकर कश्मीरी पंडित भाई बहनों को दिए, और यूपीए के 10 साल में आतंकवाद से हमने लोहा लिया। 2004 में जब आए तो याद करिए क्या हालत थी कश्मीर की, जल रहा था। 10 साल में 4,241 आतंकवादी मारे गए,
और 8 साल अब हो गए हैं बीजेपी को भी, उन्होंने क्या किया, इन्होंने 8 साल में केवल 520 परिवारों को ही नौकरियां दी, कश्मीरी पंडित परिवारों को केवल 1000 घर ही दिए, और 8 साल में केवल 1419 आतंकवादी मारे गए हैं। तो दोस्तों, फिल्म देख दिखाकर नफरत और बंटवारे से और नफरत की खेती से जिंदगियां नहीं चलेंगी। मोदी जी ये बताएं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का पुनर्वास कब तक कर देंगे? आज एक तारीख दे दें, हम उनकी तारीफ करेंगे। या ये कहें कि अगले 6 महीने में इतने हजार, उसके 6 महीने में इतने हजार, उसके 6 महीने में इतने हजार, दोनों जगह आपकी सरकार है, और इससे पहले भी आप ही की सरकार थी जो महबूबा मुफ्ती जी के साथ आपने बनाई थी। आपने कितने कश्मीरी पंडित भाई बहनों का पुनर्वास किया, कितने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को नौकरी दी, कितने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को मुआवजा दिया, कितने लोग दोबारा जाकर बसाए। हिंदुस्तान में फिल्म नहीं है, चलचित्र नहीं है, हिंदुस्तान वास्तविकता है, और उस वास्तविकता का सामना करना चाहिए। हिंदुस्तान फिल्मों से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान सरकार के शासन और नीति से चलेगा।